गुड मॉर्निंग पीपल्स गुड इवनिंग पीपल्स, गुड आफ्टरनून पीपल्स, अरे चलो गुड नाइट पीपल्स। क्या हाल चाल भाई सबके? सब बढ़िया? अभिषेक भाई बढ़िया, मैडम बढ़िया। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो भाई गाइस, आज का दिन ऐसे शुरू हुआ कि मैं सुबह सुबह जिम कर रहा था और सुबह सुबह ही मेरे पास कॉल आ गया जिम करते टाइम गोलू का, और भाई मैं जिम भी नहीं कर पाया, वो जल्दी जल्दी फटाफट मेरे पास आ गया। पता करूंगा क्योंकि अभी मैं उसे लेकर आ गया हूँ ऑफिस, उधर खड़ी है अपनी गाड़ी वाड़ी भाई वहाँ पे। और आज थी एक हमारी जरूरी मीटिंग जो कि अभी होनी है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, अभी वो भी मीटिंग पूरी कम्प्लीट करेंगे। लेकिन आ गया निकू भाई, निकू भाई आ चुके हैं और निकू भाई अभी फिलहाल सो रहे हैं। मिला लूंगा निकू भाई से भी, आपको तो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। दुनिया का मैं बादशाह, हसीनाओं से मैं हूं घिरा, प्यार का कोई असर मुझ पे है सब बेअसर। तो भाई अभी फिलहाल होटल पे आ चुका हूँ मैं, और अभी चल रही है अपनी सफाई, चल रही है दिवाली की शुरुआत पूरी बढ़िया तरीके से, सफाई के साथ साथ सागर भाई के साथ साथ और अभिषेक भाई के साथ साथ। क्यों सागर भाई? तो भाई सफाई वफाई सही चल रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास दिवाली पे। बढ़िया दिवाली की नई शुरुआत। मैडम मैडम का तो रंग भाई, तुम हंसने परी तुम जाने जा। तो भाई अभी गोलू से मिलवा देता हूँ आपको। Here we go guys, what's up bro, what's up, what's up भाई। गोलू आया हुआ है आज मेरे पास, और भाई सुबह ही ना इसने सुबह ही कॉल कर दिया भाई, कहा है भाई जिम से भाग के आया। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या बात होगी, पता नहीं क्या बात होगी, लेकिन इसका प्यार है भाई, ये जब भी मेरे पास आता है तो ऐसे ही आता है, और वो ही मुझे अच्छा भी लगता है। फोन कर देगा कि सन्नी भाई कहाँ हो, मैंने क्यों बस ये बताओ कहाँ हो, मैंने भाई मैं अभी घर पे ही हूँ। तो भाई घर के बाहर निकलो, मैं खड़ा हूँ बाहर। बिल्कुल भाई। क्या हाल चाल है जान, बैठ बैठ तो आराम कर। तो भाई अभी गोलू भाई आया हुआ है क्योंकि हमें एक काम करना है साथ में, क्योंकि हमारी एक मीटिंग है, तो वो मीटिंग निपटाएंगे और फिर उसके बाद महेश भाई के पास भी चलेंगे। हाँ तो भाई महेश भैया से भी मिलवाएंगे आपको, अभी निकू भाई सो रखे हैं, जब निकू भाई उठ जाएंगे निकू भाई से भी मिलवाऊंगा क्योंकि वो आए हुए हैं। ठीक है, बाकी अभी गोलू के साथ बैठता हूँ थोड़ी देर, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके गोलू भाई मिलते हैं अभी, थैंक यू सो मच। अच्छा भैया ओके 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 मिलते हैं, बाय बाय, आराम से जाना है। ओके बाय बाय। सो भाई अभी गोलू भाई भी निकल गए और मैं नहाया वहाया बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई, आज पूरे दिन से अपना काम वाम में ही बिजी थे। अभी देखते हैं जो भी कोई प्लान होगा, अभी तो होटल पर बैठता हूँ, एक काम और है वो जल्दी निपटा लेते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज डे टू है, डे वन नहीं है, कल का व्लॉग में मना नहीं पाया था किसी वजह से, ठीक है, क्योंकि मुझे काम वाम बहुत था और कल मीटिंग थी, तो इस वजह से कल का मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाया। तो मैं अभी फ़िलहाल शाहिद भाई के पास, शाहिद भाई एक मिनट आ जाओ। हाँ भाई। ये भाई मेरे भाई हैं शाहिद भाई, जो कि मॉडिफिकेशन में मेरा काफ़ी साथ देते हैं। तो अभी हम इसकी टी के बारे में कुछ प्लान कर रहे थे, फ्रंट वाली टी ना, तो शाहिद भाई ने कुछ आइडिया बताए मुझे, तो अभी वो आजमाएंगे। नहीं तो अभी मुझे एक चीज़ करनी है और, उसके बाद अगर हमें वो कंफर्म लगी उसके बाद बनाएंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अभी मैंने शाहिद भाई को दिखा दिया जो भी कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही थी, वैसे तो इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी वो मैंने इन्हें दिखा दी। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक ओरिजिनल पार्ट है जो कि हमें मिल जाए, वो लगा के देख लेंगे, अगर वो बेस्ट रहा ना तो फिर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो यहाँ पर सारा आइटम बनता है इस मशीन पर ना, मशीन देख रहे हो आप, इस पर सारा आइटम बनेगा। बाइक का कोई भी पार्ट बनवा लो भाई, कुछ भी बनवा लो, कैसा भी पार्ट बनवा लो, इस पर सारा आइटम बन जाता है इस मशीन पर। हाँ ये VLC देखो, कौन सी वाली? ये वाली ना, ये VLC की मशीन है, ये देखो ये कटिंग चल रही है अंदर, ये देख रहे हो आप, ये पार्ट्स की कटिंग चल रही है, कुछ बना रहे हैं अभी, ठीक है, डाई वाई जो भी कुछ है, और एक मशीन ये है, पूरी कंप्यूटराइज मशीन है, इसमें अपना फीड किया क्या साइज रखना है, क्या शेप रखनी है, क्या डिज़ाइन है, और इसमें डाल देना है मशीन में, अपने आप कटिंग कर देगी वो, लेज़र लेज़र और वाटर है ना, अपने आप कटिंग कर देगा ना। BMC हाँ, और ये सब कुछ इसमें मतलब आप फीड कर देते होंगे साइज वगैरह,
उसमें सारी डिजाइन विजाइन वाले सब फीड करने के बाद ये अपना काम कर देती है बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो शाहिद भाई के पास आता हूँ मैं जब कभी फंस जाता हूँ किसी काम में, तो ये मुझे उससे निकाल लेते क्योंकि इनका और मेरा माइंड सेम चलता है मॉडिफिकेशन में ना थोड़ा। तो अभी भाई से मैंने थोड़ी सलाह ले ली, बाकी अभी देखते हैं जैसा भी कुछ है। और मैं कल व्लॉग नहीं बना पाया, कल इस वजह से नहीं बना पाया, कल गोलू आ गया था तो कुछ मीटिंग वगैरह भी थी हमारी, वो हमने निपटाई। और आज भी मैं शाम से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज भी पता नहीं व्लॉग कंप्लीट हो गए, ये वाला व्लॉग मुझे लगे 2-3 दिन का बनेगा, लेकिन चलो जैसा भी है। अभी जा रहा हूँ मैं ऑफिस, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई जैसा, तो मैं अचानक से कहाँ आ गया हूँ ये देखो गाइस, मैं झूले पर आ गया हूँ झूला झूलने के लिए। ये ताली भाई यो। तो भाई मैं कहाँ आया पता, मैं आ गया अभी तालिब भाई के पास। और तालिब भाई ये कह रहे हैं कि मुझे मत दिखाइए व्लॉग, मैं दिखा रहा हूँ। तो तालिब भाई के पास आया था मैं, तालिब भाई अभी जा रहा था मैं, तो रास्ते में तालिब भाई मिल गया। मैंने कहा चलो ठीक है, तालिब भाई से बात कर लेते हैं, ठीक है अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो भाई मैं अभी आया था होटल पे, और ये देखो आज भी व्लॉग में कंप्लीट नहीं कर पाया, आज भी रात होगी और बाइक वहाँ पे खड़ी है, क्योंकि जो मैंने इसका पार्ट्स पता करना था वो पता कर लिया, तो पार्ट्स अभी मिल नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं हो रहा। तो अब देखेंगे जो भी कुछ सीन होगा, अभी नहीं करते बाद में करेंगे, क्योंकि भाई अभी अपनी जेब में पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा जब देखेंगे जो भी कुछ करना होगा। बाकी अभिषेक भाई वहाँ पे बैठे हैं, आज अभिषेक भाई से आपको मैंने 2-3 दिन बाद मिलवा रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग मेरा ये 3 दिन का बनने वाला है, 1-2-3 दिन का व्लॉग बनने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बना रहा था, क्योंकि कल गोलू आया हुआ था, उसके साथ मीटिंग थी भाई, ठीक है। फिर आज मैं अपना इधर उधर काम में बिजी रहा, और फिर जब आया तो मुझे थोड़ा बहुत अपना बाइक का काम कराने जाना था, तब फिर उसके बाद आके मैं बैठा, तो होटल पे जब आके बैठा तो भाई रात हो गई थी, फिर मैंने सोचा क्या व्लॉग बनाऊँ, अब इतना थका हुआ हूँ मैं, आपको मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा। तो अब जाके मैं नहाऊँगा, फ्रेश होऊँगा, बढ़िया तरीके से खाना वाना खाऊँगा, अच्छी नींद लूँगा, और सुबह उठ के फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और कल इसे खत्म करना ही करना है व्लॉग को मुझे, क्योंकि इसे परसों फिर डालना भी है, तो ये 2 या 3 दिन का व्लॉग बनने वाला है। देखो भाई अब जितना कंटेंट मिलता है वही करता हूँ, क्योंकि वो फायदा स्क्रिप्टेड नहीं है, हाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, वरना स्क्रिप्ट का अगर बनाना हो तो हमें आधे घंटे में बना ले स्क्रिप्ट लिख के, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। अपना जो रियलिटी में लाइफ में जो चल रहा है ना वो बताओ, वही दिखाओ, तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो भाई अब कल ही कंटिन्यू करूँगा ऐसे, क्योंकि नहीं है कुछ अब दिखाने के लिए। सर हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो मतलब एक ही ब्लॉग में 3 बार गुड मॉर्निंग हो गया होगा, या 3 बार मेरा इंट्रो हो गया होगा, तीनों बार ड्रेस अलग अलग है, तीसरा दिन है व्लॉग का आज मेरे भाई। आज मैं सुबह सुबह उठ गया था, आज सबसे पहले मुझे जाना था डॉक्टर के, मैं डॉक्टर के गया और डॉक्टर के दिखा गया मैं अपने जम्स वगैरह ना, तो भाई मेरी जम्स में थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह आ रखी थी, तो मैंने कहा पहले ये दिखवाता हूँ चेक करवाता हूँ, लेकिन आज था संडे तो संडे को डॉक्टर बैठता नहीं है, तो डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया है कि मैंने कॉल कर ली थी, मैंने कहा मेरी जान पहचान वाले डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे आ जाना, मैंने कहा 5 बजे आ जाता हूँ, तो 5 बजे जाऊँगा। और वहीं की वहीं मैं अपनी बाइक भी दिखवा कर आया हूँ, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा बैलेंस इसका चेक करवा के आ गया मैं, जो बैलेंसिंग वगैरह होती है, तो पहले मुझे इसका थोड़ा सा बैलेंस आउट लग रहा था, लेकिन बैलेंसिंग इसकी ओके है बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो ये भी चलो काम अपना हो गया, बाकी अभी आ गया हूँ होटल पे, और ही वी गो, उधर देखो कौन बैठा है, तुम हंसने परी धूम जाने, इधर बैठी अपनी मैडम। और भाई आज व्लॉग का आखिरकार एंड होगा, क्योंकि इतने दिन से मुझे लग रहा था कि भाई ये व्लॉग बनेगा या नहीं बनेगा कुछ नहीं पता था, तो आज इसका एंड कर देंगे, ठीक है। अभी बाकी मैं आ गया हूँ होटल पे, अभी थोड़ी देर बैठते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो मेडी क्या कह रहा भाई, भाई लोग देखो ले कह रहा कि भाई मैं तुम्हारे से इतना प्यार करने लगा, अब मैं तुम्हें गिफ्ट करा करूंगा कपड़े, जो गिफ्ट जो भी ट्रेंडिंग चीज आएगी वेडी गिफ्ट करा करेगा, लोगों को वैसे ही लगे तुम गिफ्ट में ले जाओ। हाँ लोगों को लगे वैसे ही ले तुम गिफ्ट में ले भाई, कोई प्रमोशन नहीं, अगला पूरे पैसे दे के जाओ, नहीं करता है तो बिल्कुल अगले दिमाग से निकाल दो। लेकिन मैंने भैया को डिनर पे बुलाया, भैया कह रहे हैं मुझे कि शायद एक बाइक कोई सी भी स्पोर्ट्स बाइक है। भाई विपिन तू क्या करेगा गिफ्ट मुझे है? मैं अपने आप को गिफ्ट करता हूँ तुम्हें। तो भाई लोगों आज मैं भाई मेडी भाई की शॉप पे बैठे थे, ऐसे ही बात बात चल रही थी,
तो हमारे दो जो मित्र हैं ये आपस में ही भिड़ गए, ठीक है, इनकी प्यार मोहब्बत ये देखो, लेकिन अपना प्यार मोहब्बत उपला पूरा है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ये चीज समझा रहा था, मैंने कहा भाई अगर प्यार से रहोगे तो मैडी गिफ्ट भी कर सकता है कुछ ना कुछ, ये लड़ रहे में काम कर रहा था। तो खैर भाई मेरी इज्जत करते हैं, मुझे इतना अगर कोई मेरी सुन रहा है तो भाई मुझे उसमें ही बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बाकी अभी मैडी भाई के पास आया हुआ था, मैंने कहा आज भाई बहुत दिन हो गए वैसे, मैं तो कल आपको याद ही कर रहा था, फिर भीड़ हो गई, फिर उनका पैसों के सामने मैं भाई को भूल गया। साला यूं कह रहा भीड़ हो गई थी, पैसों के सामने भाई को भूल गया। तो अभी थोड़ी देर में चलूंगा भाई, अभी चाय वाय पीने है या चाय पीते हैं फिर चलेंगे अपना। सो भाई आखिरकार इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, मतलब 3 दिन बाद ये ब्लॉग एंड हो रहा है। अभी मैं मैडी की शॉप से आया था और जैसे ही मैं आया दिन ये भी पूरा हो गया, रात हो चुकी है देखो, ठीक है। तो ये है, इस वजह से 2-3 दिन लग गए क्योंकि दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं तो पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी कि क्या ब्लॉग बनेगा क्या नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ काम आ जाता है फिर तो ब्लॉग बनना मुश्किल है। तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक ही दिन में कंटेंट मिल जाए। वैसे एक दिन में अभी मुश्किल होता है गाइस, सर्दियों के टाइम में ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चलो कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आज वॉच पहन ली थी मैंने, ये देखो कैसी लग रही है ये बताओ, इसका सेल ख़राब हो गया था, इसका सेल राइट डलवाया, इसका सेल मिलना मुश्किल है, तो खैर मिल गया इसका सेल। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।